गाइस, दिस इज ऑफ मी विद द मी इन द टाइम ये कश्मीर, कश्मीर की वादियाँ, ये है लोकेश कुमारी। गुलमर्ग जा रहे हैं हम लोग। क्या हो, व्यू आ रहा है अब लग रहा है कश्मीर में। मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम इतनी सारी आइस देख रहा हूँ एक साथ। पूरा बर्फ से कवर है सर, समर में आपको पूरा फ्लावर से कवर लगेगा। ये पूरा फ्लावर से कवर होगा, पूरा फ्लावर से कवर हो जाता है सर। सो दैट्स व्हाई ही नेम्ड इट गुलमर्ग। गुलमर्ग इज टू लेट इन वर्ड्स। गुल मींस फ्लावर एंड मर्ग मींस मेडो ऑफ फ्लावर्स। सो वी गॉट सम वर्ल्ड फेमस थिंग्स। सो वी आर एट गुलमर्ग। लोकेश हाय। तो ये हमारे गाइड हैं, क्या नाम है आपका? शकील। शकील जी जो हम गए पूरा घुमाएंगे गुलमर्ग। तो वी आर एट गुलमर्ग और ये बाइक राइड है। इसका नाम है गुलमर्ग। गुलमर्ग मैंने मैदान, गुलमर्ग या फ्लावर का मैदान, 101 फ्लावर यहाँ पर नेचुरल निकलता है। गुलमर्ग दो किस्म के बनते हैं, ग्रीन और वाइट। आजकल आपको वाइट पूरा गुलमर्ग आएगा नजर, और जून जुलाई में आपको पूरा ग्रीन नजर आएगा। ओके, तो कभी जून जुलाई में ग्रीन नजर आता है गुलमर्ग। यस यस, और पूरा ग्रीन होता है और फ्लावर से भरा हुआ आता है। 101 फ्लावर यहाँ पर नेचुरली निकलता है। यहाँ पे 5 फ्लावर नेचुरली निकलता है। 101 फ्लावर कितने? 101 फ्लावर। 101 फ्लावर, ओके। लाइफ में एक बार कश्मीर ना तो लोग बनता है। जा रहा है इस वक्त, इसका नाम है स्ट्रॉबेरी वैली। कौन सा? स्ट्रॉबेरी वैली। यहाँ पर स्ट्रॉबेरी में स्ट्रॉबेरी होता है। ओह, और यहाँ पर वो आसाने लगी है टेंट खोलने, जैसे आप होटल में रुका है वैसे यहाँ पर टूरिस्ट आता है उठने के लिए टेंट खोलने में जून जुलाई में। ओके, यहाँ पर वो जून जुलाई में स्ट्रॉबेरी और पटेटो निकलता है। वो बहुत बढ़िया सी जगह है। यहाँ पर खाली हमारा एक चीज़ आता है और वही नहीं आता है। अब इसके लिए यहाँ पर लेके आता है, टूरिस्ट को घुमाने के लिए यहाँ पर आता है, टूरिस्ट होना चाहिए जबकि बार बार यहाँ घूमने का लेके। तो ये स्ट्रॉबेरी वैली है, यहाँ पे स्ट्रॉबेरी कब आती है? स्ट्रॉबेरी जून जुलाई में यहाँ पे स्ट्रॉबेरी होती है। अरे यार, अरे मैं मार रहा हूँ। अरे तो गाइस, ये लोकेश कुमारी बिग बॉस वाली, आपने देखा होगा बिग बॉस टाइम में। और आप यहाँ पे देखो गुलमर्ग में बर्फ आ रही है। तो गाइस, ये बिग बॉस 10 में आई थी, ये वही बिग बॉस लोकेश है, और अभी यहाँ पे बर्फ आ रही है मेरे हाथों पे। बहुत उछल रही थी ना। Don't do this, huh? यार कपड़े तो पहने देते हैं पीछे। अरे फकिंग क्रेजी गाइस, अरे क्रेजी गाइस, कपड़े यार कपड़े पहने दो।
क्या शिकायत तुम्हारी? शिकायत कुछ नहीं है, मुझे बोरिंग बोला, मैं बोरिंग हूँ और मुझे तो गाइस बोरिंग नहीं है, बहुत बोरिंग है। मैं किस एंगल से बोरिंग लग गया आपको, आप बताइए और एक्सप्लेन। अच्छा और क्या बोला मैंने? मुझे बोरिंग बोला और मुझे अब मुझे बोला कि तुम ठंडी अब मैं ठंडी औरत है, मैं बता रहा हूँ। अरे तो मैं कैसे बताऊँ कि मैं तुम्हें क्या चाहिए, गर्मी चाहिए क्या? मतलब तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, मतलब ठंडी औरत, मतलब मैं कैसे, मैं क्या ये करके दिखाऊँ कि मैं कितनी, क्या करके दिखाऊँ? नहीं मतलब करके नहीं आया, ठंडी औरत का मतलब ये तो ठंडी औरत का मतलब कैसे? हाँ बोरिंग है, देखो गाइस खुद कबूल। तो आज फाइनली लोकेश कुमारी शर्मा ने कबूल कर लिया है जो बिग बॉस 10 में हिंदी कि वो ठंडी औरत है और वो बोरिंग औरत है। यस मैं बोरिंग, लोग बताएंगे तुम क्या करो, तुम बताओ। अब लोगों से पूछो, तुम आप बताइए क्या करो, मैं मतलब कि इन्होंने बोलो, तुम ढंग से बोलो कि क्या करो गाइस अगर मैं ठंडी हूँ तो क्या करो, क्या करो, क्या करो? मैं तो बोल ही रही हूँ मैं ठंडी हूँ, मैं बोरिंग हूँ, अब मैंने अच्छा, कुछ करा नहीं तो, अब तो मैंने तुमको एक डेर दे रहा हूँ सामने, तो लाइक मैं ठंडी हो गई। तुमको एक डेर दे रहा हूँ सामने, अंकल बैठे उनसे पूछो, अंकल जी मैं क्या करूँ मैं इतनी ठंडी हूँ। मैंने तो बोल ही दिया मैं हूँ ठंडी हूँ, अब मैं क्या करूँ, यू नो, अब मैं बोरिंग हूँ, मैं ठंडी हूँ, तो मैं बोल रही हूँ मैं ठंडी हूँ, मैंने तुम्हें एंटरटेन नहीं करा था, मैंने एंटरटेन नहीं करा तो इन्होंने मेरे नाम बोरिंग और ठंडी, ठीक है मैं बोरिंग और ठंडी। हम लोग फाइनली हम लोग दिल्ली की फ्लाइट में बैठ चुके हैं और एक घंटे में हम लोग दिल्ली पहुंच जाएंगे, फिर वहां से इसकी फ्लाइट है मुंबई की और मेरी फ्लाइट है भोपाल, और फिर हम अलग हो जाएंगे, हम लोग अलग हो जाएंगे फिर। और ये दिन कैसे बीते पता ही नहीं चला, इतना एंजॉय किया, मस्ती करी, बस अमेजिंग ना। और ये जब से मुझे ये बोल रहे कि जैसे कैमरा ऑन होता है तुम और ब्यूटीफुल लगते हो, दैट मीन्स कि मैं वैसे नहीं लग रही। हाँ मतलब कैमरे का असर है, यू नो। हाँ ये अभिनीत के फोन का कमाल है, उनके कैमरे का कमाल है, मेरा कमाल ही मेरा जादू है। हाँ ये है मिस्टर अभिनीत गुप्ता का, डॉक्टर अभिनीत गुप्ता का कमाल है, मेरी खूबसूरती को बढ़ाने में इनका सबसे बड़ा हाथ है। तो गाइज आपने इनकी जैसे कि लोकेश ने कहा कि इनकी खूबसूरती बढ़ाने में मेरा बड़ा हाथ है, मेरा हाथ बहुत बड़ा है। राइट राइट जी, चलो गाइज बाय, सी यू देयर, बाय। तो हम लोग अब दिल्ली जा रहे हैं और मैंने अपना कोट उतार दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे गर्मी होने लगी है फ्लाइट के अंदर, तो फाइनली अभी अपनी हॉटनेस मैं दिखा रहा हूँ, फाइनली गर्मी दिखा रहा हूँ, जो कि कुल्फी जम गई थी मेरी श्रीनगर में, माइनस टेम्परेचर था। एक्सक्यूज मी मैडम, ये लेडी बीच में बैठी है, इनके पास वो ड्रेस नहीं है वाइट वाला, इनको प्लीज बनाइए आप, ये मेरे को कोरोना हो सकता है इनसे। पागल हो तुम, आज क्रेजी कोरोना हो सकता है, तो बैठे कि ये मास्क लगाओ, ऊपर करो तो कोरोना हो सकता है। अब तेरे को देख जो कर बनवाता हूं मैम, इनको प्लीज पहनाइए। हां नो पहनिए, ये पहनना पड़ेगा आपको और एल्स मैम को डिपोर्ट करेगा। ये प्लानिंग थी कि ऊपर कोरोना हो सकता है तो ये मास्क लगाओ शट अप, पहनो जल्दी, अरे इसे लगाओ, लगा लिया, बीच वालों को पहनना पड़ता है, मेरी मुंह पहनो जल्दी पहनो, मैं तो हंगामा कर दूंगा, मैं जाने नहीं दूंगा, मैं उतरवा दूंगा तुम्हें, तुम्हारी प्लानिंग इसको तो लगाओ तभी तो, वरना कोरोना नहीं होगा जब इसको लगाओ। एक्सक्यूज मी मैडम, प्लीज अभी नहीं, डोंट डोर इज योर, ये क्या है ये, जल्दी पहनो, नहीं मैम सुनो आप बीच में कंपलसरी है, वो उतार देंगे आपको, तुमने मुझे बिठाया, तुम्हारी सीट है, तुम्हारी सीट ही है, तो तुम्हारी सीट कहाँ, तुम्हारी सीट मेरी कोने की है, तो तुम यहाँ पे क्यों बैठे हो, शट अप, मुझे कोरोना होगा, ये मेरे पास क्यों बैठा गाइस, ये मेरे पास क्यों बैठा, अपनी सीट छोड़ के मेरे, मेरी सीट ही है, ये मेरी सीट है, तुम मेरे पास क्यों बैठे हो, आप किस पास में बैठो, आप पहनिए जल्दी, मैं डाल लेना ऊपर, तुम ना आई स्वेयर
मुंबई में मिलो तो मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, तुम्हारा बैंड बजाऊंगा। आई स्वेयर, आई स्वेयर। मुझे नहीं पहनना पहनना क्या है ये? तो बना दे। मैं क्यों बनाऊंगा? अच्छे से बना। तुम्हारी मैं क्यों बनाऊं? मैं कौन हूँ भाई? पड़ोसी। मुझे डर है तुमसे कोरोना। अच्छा मुझे डर है, मुझे डर है तुमसे, मुझे तुमसे डर है। पहनो ऐसे ठीक है। ये ना पूरे मजे ले रहा है, पूरे मजे ले रहा है ये मेरे, पूरे मजे। बेचारी प्रीत पे पति, अब कोरोना नहीं होगा। बेचारी लोकेश कुमारी, मुझे कोरोना होगा इसको कबूल करो। बेचारी लोकेश कुमारी, मुझे कोरोना होगा। अभिनीत कुमारी देखा देखा। तो फाइनली हम लोग, मैं भोपाल के लिए जा रहा हूँ और लोकेश आ रही है मुंबई। लोकेश बहुत ही प्यारी लड़की है, बहुत ही मज़ा आया इसका काम करके। 5 दिन पता नहीं चला कैसे निकल गया हमारे कश्मीर में। एंड रियली मिस, आई विल मिस यू लोकेश। और मैंने इसको बहुत परेशान किया, बहुत छेड़ा है इसको, इसको बहुत छेड़ा है। तो आई एम सो सॉरी। अरे सॉरी क्यों? सॉरी क्या, मस्ती कर रहे थे, मैंने बहुत एंजॉय किया गाइस, इसमें सॉरी की क्या बात है। और मैं जा रही हूँ मुंबई और ये जा रहे हैं भोपाल, और लास्ट हमारा मीटिंग है ये। आई मीन लाइक हम दोबारा भी मिलेंगे, बट अभी तक अभी जितना भी हुआ अच्छा हुआ, अभी हमारा ये लास्ट है सफर इस मंथ का। इस मंथ का अब मुंबई में मिलेंगे, मुंबई में मिलेंगे गाइस। बाय।